प्रथम तहलका न्यूज। पलवल के महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में जिला बाल कल्याण विभाग की ओर से आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में प्रतिभाशाली बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अतिरिक्त उपायुक्त सुरेंद्र सिंह ने बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। पत्रकारों से बात करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जिला बाल कल्याण विभाग की ओर से बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं ताकि बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को निखार कर सामने लाया जा सके। ये जैसे 2-3 महीने का बच्चों की वेरियस एक्टिविटीज इसमें कराई जाएंगी। ताइक्वांडो है, साइंस के संबंध में है, हेल्थ एक्टिविटीज हैं, कई तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो ये जिला बाल कल्याण विभाग की तरफ से ये आयोजन किया गया है जिससे बच्चों की छुट्टियों के दौरान हर तरह से उनकी डेवलपमेंट हो सके। और पहले पिछले समय में जो इन्होंने बच्चों ने अचीवमेंट्स करी हैं उनके बारे में ये जो सर्टिफिकेट्स का आवंटन किया गया है उनके उत्साहवर्धन के लिए ये किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों पर पढ़ाई का अधिक दबाव ना डालें। उन्होंने कहा कि परीक्षा में अधिक नंबर प्राप्त करना कोई खास उपलब्धि नहीं है, किसी भी विषय को समझे ताकि वो जीवन भर आपके काम आ सके। साथ ही उन्होंने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों में भी बच्चों व महिलाओं के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें भाग लेकर महिलाएं व बच्चे अपने समय का सदुपयोग करेंगे। कुछ बातें जैसे मेहनत की जो मैंने बात कही उसको जो मेहनत करनी है आपने रिलैक्स तरीके से बिना बर्डन लिए करनी है, कोई कंपटीशन नहीं रखना, बस हमें मेहनत करते जानी है, कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन और वो रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने अक्सर एक्सपीरियंस किया कि बहुत अच्छे इंटेलिजेंट आदमी बच्चे हैं जो भविष्य में जाके इतना अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन वो बच्चे बड़ा अच्छा कर पाते हैं जो जीवन को पूर्णता से जीते हैं, हर चीज़ हर विषयों में शरीर पे और अन्य चीज़ों पे पूरा ध्यान देके सर्वांगीण विकास करते हैं, वो बच्चे ज़्यादा सफलता को हासिल करते हैं। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। प्रथम तहलका न्यूज़।